समिति कोई समाधान नहीं, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने मंगलवार को कहा कि वो 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन करती है। पार्टी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में एक समिति का गठन करना मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं है। आपकी पंजाब इकाई ने प्रमुख भगवत मान ने कहा कि पार्टी किसानों के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं चाहती है। इस गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय काले कानूनों को वापस देना है। एक बयान में मान ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के ज्यादातर सदस्य भाजपा नीत केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा, हमें संदेह है कि समिति किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने और उन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने में सफल होगी। आप सांसद ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की एकमात्र मांग इन कानूनों को वापसी है। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले अगले आदेश तक विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी और केंद्र तथा दिल्ली की सीमा पर कानून को लेकर आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया।